वैसे हमारा ब्लॉग जो है कई दिनों से नहीं आ रहा है, तो आप में से कई लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, कई लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि आपका ब्लॉग जो है भैया बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, आखिर क्या बात हो गई। तो हाँ जी, ब्लॉग हमारा नहीं आ पा रहा था, तो इसकी कुछ वजह भी है, तो इस वजह के बारे में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी, आपने आखिरी ब्लॉग देखा होगा शादी का, तो उम्मीद करते हैं आपको शादी का जो है वीडियो है मजा आया होगा। और आज जो है हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन में, तो हम तो तैयार हो गए हैं जी, और हम निकल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम लोगों को जो है थोड़ा सा गिफ्ट भी खरीदना है। फिर मेरे जाने के बाद जो है घर के सभी लोग जो है वहाँ चलेंगे, क्योंकि पूरी फैमिली वहाँ पर जाने वाली है। और बिल्कुल, और यहाँ क्रियांश की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग जो है परहेज करके अभी चल रहे हैं, और जब यह ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे कहीं पर। तब दीदी 7:30 बज गया है, तुम लोग भी तैयार हो जाना। फिर अभी दूध वाला नहीं आया है, उसका इंतजार है। हाँ, दूध जैसे दे देगा गरम करके बच्चा को पहुँचा देंगे। हस्बैंड वाइफ चलेंगे। चलो ठीक, जाना ही है अपने बच्चे के सामान, उसको हम लोग सब दिन देखते हैं। घर से जी आ गए हैं, और सारे दोस्त लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं, और अब सीधा चलते हैं। और गिफ्ट भी हमने ले लिया, गिफ्ट दिखाना एक बंद पड़ा हुआ है, तो अच्छा खासा बड़ा साइज का गिफ्ट है। तो हम लोग को जो है थोड़ा ढूंढने में जो है थोड़ा मशक्कत लगा, लेकिन सोचे कि कुछ अच्छा ही देना चाहिए, तो हम लोगों के लिए तो अच्छा है, बाकी ऋषभ को देखते हैं पसंद आता है कि नहीं, तो चलते हैं सीधा अंदर। तो यहाँ आए हुए हैं जी, यही है हमारी यार की शादी। हम आ गए अपने दोस्त की शादी में, और यहाँ पर जब आए तो मालूम चला अपने एक सब्सक्राइबर भी है, जो हमारी फ्रेंड की आंटी है, आंटी लगी ना बोलती। यहाँ जो है क्रियान से मिलना चाह रही थी, लेकिन क्रियान आ नहीं पाया, जैसा कि आपको बताया उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, तो इनको इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे घर आ जाए और क्रियान से मुलाकात हो जाए, तो आप आइए। बिल्कुल ठीक है। The next day. कल दोस्त की शादी तो अटेंड कर लिया, शादी को अटेंड करने के बाद जी आ गए थे घर, और उसके बाद अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और हम लोग चल रहे हैं डॉक्टर के पास। जी हाँ, डॉक्टर के पास चल रहे हैं। क्रियांश की तबीयत में सुधार तो आया है, लेकिन पूरा सुधार नहीं आया हुआ है। इसका आवाज जो है देख रहे हैं बिल्कुल बैठ गया है, और इसके अलावा और क्या देख रहे हैं कि यह जो खाना खाया करता था इसको भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, बिल्कुल, लेकिन अब जो है बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, और बहुत मुश्किल से दूध पी पा रहा है। एक बोतल भी देते हैं तो समझ जाइए कि 2 घंटा में 100 ml पीता है, इसका ये हाल हो चुका है अभी। तो चलते हैं फिलहाल, क्या बताते हैं डॉक्टर साहब। 1 hour later। तो फैमिलियर चाहिए। हां, तो समय दे दो। कैमरा की फाइनली अपना कैप खुलवा चुका है। नेक्स्ट डे। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बाबू सो गया है, तो टाइम मिल गया हम लोगों को मार्केट जाने का, तो अभी हम लोग मार्केट जाए। माँ आते हैं, क्या बोल जी? पर्स ले लो, कुछ कैश निकाल लो। पर ये बोले कि छह पर्स जल्दी से जाके रूम से पर्स लेके आओ, क्योंकि मैं पर्स भूल चुका हूँ, जो कि उनका हर बार का होता है ये नाटक, जब तक उनके हाथ में ना तो वो भूल ही जाते हैं। पर्स चलते हैं नीचे, ले लीजिए, हमेशा के भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम याद दिला देती हो। चलिए चुपचाप। हम लोग आ गए हैं नगर पालिका, और यहाँ पर जो है क्रियांश का बर्थ सर्टिफिकेट दिए थे बनने के लिए। हाँ। जो कि आज 6 महीना हो चुका है, हम लोग ले नहीं पाए थे, अब जा करके ले रहे हैं। तो सबसे पहले बुआ का बर्थ सर्टिफिकेट ले रहा है, क्योंकि कहीं बाहर भी हम लोग निकलते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है, तो सबसे पहले वो लेना है, उसके बाद शॉपिंग करना है बुआ के लिए। हम लोग आ गए शॉप, और यहाँ देख सकते हैं बाबू के लिए क्या देखा जा रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं वॉकर देख रहे हैं, और साथ में भी अलग अलग चीज सब आ गया, रॉकर मिल जा रहा है, म्यूजिक मिल जा रहा है। अच्छा, हेड भी एडजस्ट कर दे क्या। 20 minutes later. यहाँ पे हमारी कुछ कुछ शॉपिंग हो चुकी है, उसमें भी लोग बिलिंग करवा रहे हैं। क्रियांश का तो सामान ले लिया जी, और अब आ गए हैं किड्स के एक और दुकान में। फर्स्ट क्राई में जो है सामान थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन सोचा था कि क्रियांश के लिए कुछ हुडी वाला कपड़ा लेना है, जो कि वहाँ पर हमें अच्छा जैसा नहीं दिखा, वहाँ से हमने वॉकर ले लिया, और भी कुछ सब सामान लिया है। ज्यादातर शॉपिंग हम लोग वहीं से करते हैं, लेकिन कुछ कुछ सामान है जो बाहर से भी हम लोग देते हैं। यहाँ पर क्रियांश के लिए लिया है हमने, क्या एक बार दिखा दो। तो हमने लिया है हुडी टाइप का, ये ब्लैक, और हमने डार्क कलर लिया है ताकि जल्दी गंदा नहीं हो, और ये दो ब्लैक फुल नेक वाला।
अच्छा, माँ बोली थी ये लेके ही आना। सारा सामान तो ले लिया हमने और अब सीधा चल रहे हैं यहाँ से घर, और घर जाने से पहले सोच रहे हैं कुछ पेट पूजा कर ले। लड्डू गोपाल के लिए वो किले को सामान लेना है, लड्डू गोपाल के लिए भी लेना है, लेकिन इतना सामान लेते हुए कैसे पॉसिबल है? थोड़ा सा लेना बस भोग लगाने के लिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेना। अच्छा वो लेना है हमको, उनका पोशाक लेना है जो कि एकदम अंदर जाना पड़ेगा। One hour later. हम लोग घर आ चुके हैं और कियान देखिए पढ़ाई कर रहा है पेन लेकर के। क्या कर रहा है कियान? पेन और पेपर का बढ़िया व्यवस्था लगाया है। क्या फिर कभी पढ़ने लग नहीं। अब चश्मा पे ध्यान चले गया इसको, ध्यान से अभी पढ़ता नहीं है, पढ़ने के सामान को पढ़ने लायक नहीं छोड़ता। और दूसरे को दिन भर पढ़ाते रहता है। और इधर आ गया क्रियांश का, ये देख रहा है आराम से सबको बैठ के। हाँ क्रियांश, क्या कर रहा है तुम? मैं पेपर फाड़ रहा हूँ और करूँगा क्या? मैं बनाया हुआ चीज को बिगाड़ता ये काम है। तो हम पहुंच गए हैं जी घर, है सारा सामान लेकर के, और क्रियांश जो है उस गाड़ी पर जो है बैठने वाला है। और इस पर बैठने से पहले जो है माँ जो है इस गाड़ी का पूजा करना चाहती है क्योंकि क्रियांश की पहली गाड़ी है। उसके लिए भगवान को पहले धन्यवाद दे दिया जाए। अभी इस गाड़ी पर बैठा है, बड़ा होगा, भगवान का आशीर्वाद रहा। हाँ तो अभी इस गाड़ी पर बैठा है, बाद में इसके बाद जो खिलौना वाला थार है उस पर बैठेगा, फिर उसके बाद जो है जब बड़ा होगा असली थार पर बैठेगा। इसके सामने इस गाड़ी का क्या वजूद है, लेकिन शुरुआती दौर पर है। ईश्वर के चरण में धन्यवाद करते हैं। मेरा बेटा काठ के गाड़ी पर खेला और मेरा पोता फाइबर के गाड़ी पर खेलता है। अच्छा, खुशी की बात है। उनकी दया होगी तो हिंदी पर भी बैठे। वाह चलो बढ़िया है। ड्राइवर साहब प्रणाम करो दादी को, प्रणाम करो दादी को। जय जय करो दादी, जय जय। सुमान ईश्वर से हमारी प्रार्थना है आपका सब अरमान भगवान पूरा करे, और दुनिया का जितना भी अरमान है हर माँ को नसीब। चलो बैठा तो इस पर दादी, बैठा बैठा। ओए बैठो ना। तो क्रियांश जो है पहली बार बैठ रहा है इस गाड़ी पर, डर रहा है बैठने पर। म्यूजिक बजा ही दिया। बैठा हुआ देख कर आज मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रही हूँ, और अपार हर्ष है जिसको अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अच्छा और ये देखो बढ़ता बढ़ता क्रिया थोड़ा सा, ओए होए होए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हिल रहा है। इसको इधर ले आए क्या? मजा आया, मजा आया, मजा आ रहा है, चल रहा है। बाबू आ, डायरेक्ट तो पहले म्यूजिक के बजाया करके। बाबा उधर उधर जाइए, तो पहले बैठ के गाना बजाया। बाबा को जाओ उधर The next day. लोग जा रहे हैं छत पे धूप लगाने बुआ को, बुआ आ गया था रोड होके, लेकिन इसके पापा कह रहे हैं छत पे लेके चलो, जितना धूप लगेगा उतना जल्दी ठीक होगा। यहाँ क्रियांश को देख सकते हैं, क्या ये तो फूल तोड़ने पहुँच गया ना क्रियांश, तू फूल तोड़ रहा है क्रियांश? हाँ तुलसी तोड़ रहा है। कोई बात है, तुलसी मुँह में भी लेगा कोई दिक्कत नहीं। ओए क्रियांश कहाँ पहुँच गया, पूरा डाल तोड़ देगा ये क्रियांश। बेचारा को अभी डायरेक्शन का कंट्रोल नहीं है कि किधर जाना है नहीं जाना। पहुंच गया अपने जगह पे। अरे पकड़ी पकड़ी पकड़ी, अटैक करने पहुंच जाता है तुम। अगर तेल लगाएंगे बेटू को। अभी बज रहे जी रात के 9 और हमारे खाने का समय हो गया है, तो उधर खाना लगा है तो चल करके खाएंगे। वैसे हमारा ब्लॉग जो है कई दिनों से नहीं आ रहा है, तो आप में से कई लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, कई लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि आपका ब्लॉग जो है भैया बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, आखिर क्या बात हो गई? तो हाँ जी ब्लॉग हमारा नहीं आ पा रहा था, तो इसकी कुछ वजह भी है, तो इस वजह के बारे में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी खाना खा लेते हैं। The next day. तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए। पतिदेव जो है सुबह का काम अभी कर रहे हैं, इधर देख सकते हैं इनको, बुरी अवस्था लेके बैठे हुए हैं। ये है हमारा मिस्टर डी। मिस्टर डी से तो मुलाकात नहीं हो पाई थी आज सुबह, मुलाकात कर रहे हैं। जब भी हम ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हमेशा इनकी मुलाकात नहीं ही हुई रहती है। मिस्टर डी जो है इधर उधर भटक जाते हैं, तो अच्छा अच्छा वेरी गुड, नहीं मिल पाते हैं तो क्या करेंगे, तब उनको ढूंढ के लाते हैं, ढूंढ के लाते हैं। तो दिया यहाँ पर कर रही है नाश्ता तैयार, बस यहाँ पर जो है एक चीज की कमी रह गई है, वो है नमकीन की, तो नमकीन जा करके लेते आते हैं। आप लोगों ने
देखा होगा कि पति ऑर्डर करते हैं नाश्ता बना दो और पत्नी नाश्ता बना देती है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर हम थोड़ा सा हम बोले हाँ चल ठीक है बना देते हैं जाकर के, थोड़ा सा लेट हो जाए ना ये हमको ब्लैकमेल करते हैं, अगर तुम ये काम नहीं करोगी हमको नाश्ता बना के नहीं दोगी तो तुम्हारा ये चीज देख लेना कर देंगे हम। मतलब बहुत सारा ऐसा ब्लैकमेल करने का, मतलब तुम ऐसा ऐसा कुछ हरकत कर रही होती है तो जिससे तुम ब्लैकमेल हो जाती। नहीं जैसे कि अभी हम बोले कि इनको मार्केट से मेरा सामान ला दीजिए तो यही धमकी रहता है कि नहीं ला के देंगे और कभी नहीं ला के देंगे। अच्छा। जैसे कि हमको मोमोज बहुत पसंद है तो बोले यार जिंदगी में कभी नहीं खिलाएंगे। The next day. अब क्रियांश जो है एकदम छटपटा रहा है कितनी जल्दी दादा दादी के पास जाए, उठ गया है कुछ देर पहले। ये देखिए ओए क्रियांश उठा, ओए ओए ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ क्रियांश बाय बाय। अब देखेगा भी नहीं, जाना जो है उसको। क्रियांश खेल रहा है वहाँ पे देख सकते हैं। डांस करके पूजा कर रहा है ये। हाँ चल दे दे।